एक बच्चे को लेकर जा रही थी। बच्चा बहुत छोटा था, वो बुढ़िया को अपने कंधे पर नहीं बैठा सका था और बुढ़िया इतनी कमजोर थी वो बच्चे को नहीं उठा सके थी। पीछे से ऊंट वाला आ गया, ऊंट वाला आ गया, उसने कहा रे भैया हमें भी बैठा ले। ऊंट वाले को तरस आ गया, उसने फटाफट रस्सा खींच लिया ऊंट का और वो बैठ गया। बैठ गया। अब बुढ़िया ने सोचा वे गोटे जो थे कमर कितने ऊंचे थे, बच्चे को तो वो बीच में बैठा दिया, वो टुंडा सा हो उसे पकड़ के बैठा दिया, कम बैठ जाइए मजबूत गिर ना पड़िए। बुढ़िया ने सोचा ये जो गोटे ऊपर है इससे बढ़िया सीट नहीं मिलेगी तुझे कहीं। उनने गोटे पे इस तरह धर लिया और बैठ गई उस पर। उसने कहा ठाकर है ऊंट वाले ऊंट। अब उसने तो रस्सी हल्ला दी, गरड़ गरड़ करके ऊंट उठ गया। जब ऊंट उठ गया तो बिस्तर एक तरफ और बुढ़िया पूरा सी एक तरफ। नुकरी बैठ गई तो नुकरे मारी तो वो जगह ही नहीं रही, हम बैठे थे हम तो उस जगह का ही नहीं पता लगा। तो कहने लगी भगवान मुझे अपने चरणों में रखिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही तमन्ना क्या के मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की तमन्ना है श्याम तुम, मेरे श्याम तुम, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की तमन्ना है कर श्याम तुम्हें देखूं, कर श्याम तुम्हें देखूं। ओ चले वो
Oh,